नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका चिर परिचित दोस्त आज पुनः उपस्थित हूँ दोस्तों, एक और नई औषधि लेकर के, एक और नया बेनिफिट का यू कहें खजाना लेकर के आप सभी के लिए। लेना आपको होगा, पर हम आपको बता सकते हैं दोस्तों कि आपके लिए कैसे लाभकारी साबित होगा। क्या आप जानते हैं रात को तकिए के नीचे लहसुन रखने से क्या होता है? जी हाँ, सही सुना आपने। क्या आपको पता है कि अगर आप अपने तकिए के नीचे लहसुन रखकर सोते हैं तो क्या होगा? हम सब ये जानते हैं कि लहसुन हमारी धरती पर सबसे स्वास्थ्यप्रद भोजनों में से एक माना जाता है। यह कई सारे पोषक तत्वों से भरपूर होता है जो कि हमें बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ देता है। इसीलिए आपको लहसुन का सेवन हर रोज करना चाहिए दोस्तों। जैसे कि हम सब जानते हैं कि लहसुन हमें कई बीमारियों से बचाता है, जैसे कि लीवर की बीमारियां, गंजेपन से और कई तरह की बीमारियों से हमें सुरक्षित रखता है। लहसुन हमारी धमनियों को साफ रखता है और हमारे खून को शुद्ध करता है, जुकाम और फ्लू से राहत देता है और कई अन्य बीमारियों में अत्यंत उपयोगी होता है लहसुन। इजिप्टवासी पिरामिड्स का निर्माण करते समय लहसुन को कच्चा चबाते थे, इसके एंटीबायोटिक और औषधीय गुणों की वजह से। लहसुन से हमें एलिसिन प्राप्त होता है जो कि लहसुन में सबसे शक्तिशाली यौगिक माना जाता है। लहसुन को मसल कर सेवन करने से इसकी शक्ति बढ़ जाती है और इसके विपरीत जब आप इसको पका कर खाते हैं तो आप इसके गुणों को नष्ट करते हैं दोस्तों। इसी वजह से लहसुन को मसल कर उसे 15 मिनटों तक छोड़ दीजिए और फिर खाना चाहिए। इसकी दुर्गंध को खत्म करने के लिए आप इसमें वनस्पति तेल और अजमोद भी मिला सकते हैं। लहसुन को तकिए के नीचे रखने का फायदा अब हम आपको बताते हैं, क्योंकि हमने सोचा पहले कि आपको ये बता दें कि इसे खाने का क्या बेनिफिट होता है दोस्तों, क्योंकि अमूमन हम खाना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि हमारा जायका भी बन जाता है दोस्तों। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि लहसुन को उबाल कर खाने या पका कर खाने की बजाय हम कोशिश करें कि कच्चा खाएं, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है दोस्तों। शायद आपने सुना होगा कि कई लोग लहसुन को सोने से पहले अच्छी नींद के लिए अपने तकिए के नीचे रखते हैं, कई लोग सौभाग्य के लिए अपनी जेब में रखते हैं। दुनिया में कई लोग लहसुन से अपने धूपदान और बर्तनों को साफ करते हैं, नकारात्मकता को दूर करने के लिए। इसी वजह से आपको लहसुन को अपनी जेब में या अपने तकिए के नीचे रखना चाहिए, इससे आपको अच्छी नींद मिलेगी और आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा खत्म कर देगा ये तो। इस प्रकार से ऐसे लाभकारी होता है आपके लिए लहसुन दोस्तों, इसके खाने के भी फायदे और अगर इसे आप साथ में रखते हैं तो भी फायदा दोस्तों, जैसा कि हमने बताया। लेकिन पुनः आपके लिए हम एक बार रिपीट कर देते हैं संक्षेप लैंग्वेज में कि अगर आप लहसुन खाते हैं, इसके एंटीसेप्टिक गुणों से आप बहुत लाभ उठा सकते हैं, जैसा कि हमने ऊपर आपको बताया। इसके साथ साथ अगर लहसुन को आप अपनी जेब में या अपने तकिए के नीचे रखते भी हैं दोस्तों तो आपको बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि लहसुन जो है वो आपकी निगेटिव एनर्जी यानी कि आपके आसपास जो निगेटिव एनर्जी होती है उसे दूर करता है। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक दोस्तों, लहसुन को तकिए के नीचे रखने का फायदा। अगली बार हम आपसे मिलेंगे एक और नई औषधि लेकर के, एक और नया टॉपिक लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।